हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ब्रिलियंट स्टडीज वंस। जैसे कि मैंने पिछले न्यूट्रिशन चैप्टर बता दिया था, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया, उसमें क्या क्या होता है, दो भागों में न्यूट्रिशन को बांटा गया है। जब सबसे पहले वहां पे बताया गया है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा एक तरफ मिनरल्स वाटर्स और खनिज और विटामिन के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले उसको पार्ट वन वीडियो नहीं देखे तो उसको जाके देख लीजिए। उसके बाद पार्ट टू वीडियो में हम लोग यहाँ पे विटामिन के गाइड बताएंगे, विटामिन में क्या होता है, कौन सा विटामिन से कौन बीमारी होती है। फर्स्ट वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इसके कारण पार्ट टू वीडियो बनाना पड़ रहा है न्यूट्रिशन का। इसमें विटामिन के बारे में बताएंगे और संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित पूर्ण आहार क्या होता है, दोनों में डिफरेंट क्या है, क्लोरोफिल क्या होता है, शरीर में क्लोरोफिल की मात्रा क्या होती है मनुष्य में, और जेंट्स और लेडीज में क्लोरोफिल की कितना डिफरेंट होता है, कितना हमें आहार लेना चाहिए, इस सभी चीज को यहाँ पर देखेंगे। कितने विटामिन होते हैं, किस विटामिन से क्या क्या रोग होते हैं, उस सभी चीज को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विटामिन, मतलब न्यूट्रिशन चैप्टर में ही आता है क्या विटामिन। सबसे पहले एक चौक ले लेते हैं, न्यूट्रिशन चैप्टर में ही आता है क्या विटामिन। विटामिन संयोजी तो एक ही नाम है, यह एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो प्रत्यक्ष रूप से शरीर में मिलने वाला विभिन्न क्रिया एवं अंगों की क्रियाशीलता में प्रभावित करता है। हमारे शरीर के जो भी अंग होते हैं उसमें क्रिया क्या हो रहे हैं, उस क्रिया से प्रभावित करता है, ये होता है विटामिन। सभी विटामिन हमें शरीर में लेना चाहिए, अगर कोई कोई विटामिन नहीं लेने से कोई कोई बीमारी हो जाता है, तो उस सभी चीज को देखेंगे। इस यही क्रिया है विभिन्न कार्य अंगों में प्रभावित करता है, क्रियाशीलता को प्रभावित करता है, इसी को हम क्या कहते हैं विटामिन। इसमें घुलनशील और अघुलनशील होते हैं, इसे दो भागों में बांटा गया है जी। एक होता है वसा में घुलनशील और एक होता है जल में घुलनशील। विटामिन से घुलनशील तो होते ही है, लेकिन एक होता है वसा में घुलनशील, एक होता है जल में घुलनशील। यहाँ पे देखते हैं वसा में घुलनशील जो होते हैं ए डी ई और के, चार होते हैं, और जल में घुलनशील होते हैं बी सी। हम लोग जानते हैं हमारे विटामिन कितने होते हैं, चार और दो छह। अलग बात है बी के पास बी वन बी टू बी थ्री बी सिक्स बी नाइन बी टेन इस तरह करके हैं। तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं जिसे हम काउंट किया जा सकता है ए डी ई के बी सी, इतना हमारे शरीर में विटामिन होता है। तो हमारे इसको देख लिए घुलनशील, वसा में घुलनशील होते हैं ए डी ई के और जल में घुलनशील होते हैं बी और सी, इस चीज को देख लेते हैं। तो यहाँ पे विटामिन ए देखते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है क्या रेटिनॉल्स, इसे रेटिनॉल्स कहा जाता है। ये क्या है हमारे विटामिन ए का रासायनिक नाम हुआ, जिसे हम बोलते हैं रेटिनॉल्स। और ये रेटिनॉल्स जो होता है विटामिन बी किस किस चीज में मिलती है, तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख लेते हैं, गाजर टमाटर सुनहरे चावल के, सुनहरे जो चावल होते हैं उसे बड़ी मात्रा में विटामिन ए हमारे शरीर को मिल जाती है, और मांस मछली अंडा दूध में भी विटामिन मिलती है। और एक एक ऐसा एक एग्जांपल है जो सभी विटामिन में होते हैं, उस चीज को गौर करिएगा आप लोग। जैसे यहाँ पे अंडा और दूध विटामिन ए में देखा गया, हो सकता है और भी विटामिन मिले, आगे आप लोग देखिएगा वीडियो आप लोग को समझ में आएगा। उसके बाद इसके कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, अगर किसी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसके कारण हमको रात में दिखाई नहीं देता है, अच्छे से दिखाई नहीं दे पाता है, इसे इसे करके चलना पड़ता है। जैसे कि उसी बीमारी को हम कहते हैं क्या रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन बीमारी होता है रतौंधी। और किस चीज में विटामिन ए मिलता है, गाजर सुनहरे चावल से, गाजर टमाटर सुनहरे चावल, मांस मछली अंडा दूध, इतना सारा चीज में हमें विटामिन ए मिलती है। अब हम अगला यहाँ पे देखते हैं विटामिन डी के बारे में, इसके बाद अगला टॉपिक विटामिन डी और ई रहेगा, इसको स्क्रीन शॉट करिए, उसके बाद अगले टॉपिक को बताते हैं। अभी हम विटामिन ए के बारे में दिखा दें, यहाँ पे अभी विटामिन डी के बारे में देखते हैं। विटामिन डी क्या होता है, इससे इसका बायोलॉजिकल नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल्स कहा जाता है, इसका बायोलॉजिकल नेम कैल्सीफेरॉल कहा जाता है इसको, विटामिन डी को। इसका निर्माण सूर्य प्रकाश की प्रावणिक किरण के कारण त्वचा में होता है, जो कि विटामिन डी होता है कहाँ से, सूर्य के प्रकाश से भी हमारे शरीर में मिलता है, त्वचा में मिलता है। त्वचा में कैसे मिलता है, ये प्रावणिक किरण के कारण हमारे त्वचा में विटामिन डी मिलते हैं।
और ये इसके अन्य स्रोत होते हैं जिसे सूर्य के किरण ही नहीं होता है जिससे विटामिन डी मिलता है, बहुत सारे स्रोत होते हैं जिससे विटामिन डी मिलते होंगे, जैसे यहाँ पे देखते हैं मांस हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, यहाँ पे मछली नहीं, मछली का तेल से भी हमारे शरीर में विटामिन डी मिलते हैं। यहाँ पे अंडा और दूध कॉमन है, विटामिन ए में भी देखे होंगे विटामिन, यहाँ पे डी में भी अपनों को देखने के मिल गया अंडा और दूध, और आगे भी हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, ये कॉमन होता है जिसे विटामिन डी या कोई भी विटामिन हो उसमें। तो यहाँ पे विटामिन ए में मांस को देख लिए, अंडा दूध मछली का तेल को भी देख लिए, बहुत सारे यहाँ पे इसी बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, जिसका मुख्य कार्य होता है शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करता है। शरीर में कैल्शियम के कारण हमें पता है शरीर का कैल्शियम हो कि कैल्शियम के कमी हो जाने के कारण हमारे जो वन होते हैं ना, हड्डी होते हैं, बहुत सारे कमजोर हो जाते हैं, इसके वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो टूट भी सकते हैं, फ्रैक्चर भी हो जाते हैं। तो ये कैल्शियम विटामिन डी से सबसे मुख्य काम क्या होता है, इससे कैल्शियम मिलता है जिसके कारण हमारे वन हड्डी जो होती है बहुत मजबूत हो जाती है, इसमें कैल्शियम अवशोषण करता है। इसके कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी से जिसका कारण हड्डियों में कमजोरी आ जाता है। अभी बताएं कैल्शियम का कमी हो जाने के बाद हमारे शरीर में हड्डी जो है वो कमजोर हो जाते हैं जिसको इसे कैल्शियम के थ्रू कैल्शियम मिलता है विटामिन डी के थ्रू, तो इसीलिए विटामिन डी भी हमें शरीर के लिए लेना चाहिए। अब यहाँ पे इसका मुख्य दो बीमारी होते हैं जो कि हम अभी बता रहे थे, विटामिन डी के कमी से मुख्य दो बीमारी होते हैं, इसमें होने वाला दो मुख्य बीमारी होते हैं जिसे फर्स्ट बीमारी का नाम ये है रिकेटस। रिकेटस होता है विटामिन डी के कमी से होने वाली ये बीमारी। ये बच्चों में अगर इस कैल्शियम की कमी हो जाने का कारण बच्चों जो होता है, बच्चों का जब हड्डी होती है वो लचीली हो जाती है, मतलब कमजोर हो जाती है, किधर भी मोड़ जाती है लचीली हो जाती है, उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, टूट भी सकते हैं, कमजोर होती है विटामिन डी के कारण, ये बच्चों में होती है। सबसे महत्वपूर्ण ये रिकेटस होता है, रिकेटस ये एक बीमारी का नाम है। इसी बीमारी से बच्चों में हड्डी लचीला हो जाता है, लचीला से टूट भी सकता है, कमजोर होता है, इसीलिए विटामिन डी उसे देना पड़ता है, विटामिन डी से वो सही हो जाता है। आप लोगों को पता है हम लोग का हाथ या पैर टूट जाता है तो डॉक्टर ज्यादा दवाई नहीं लिखता, प्लास्टर करके कैल्शियम का टैबलेट लिखता है, कहता है कैल्शियम लीजिए, ज्यादा दूध लीजिए, दूध में भी कैल्शियम होता है, तो दूध पीने से कैल्शियम की मात्रा मिलता है शरीर में ज्यादा, जिससे हड्डी भी मजबूत होती है, तो दूध हमेशा सभी को पीना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे विटामिन डी के कमी से हड्डी भी टूटा हुआ रहता है ना, कैल्शियम लेते रहते हैं तो अपने आप को जुड़ जाता है, उसे एक शर्त है कि उसको अच्छे से दबा के, अगर हाँ टूट गया अच्छे से इसको बांध के, लकड़ी से बांधो, कमाची से बांधो, या पर प्लास्टर करके बांधो, जैसे भी बांधना है बांधो, कैल्शियम खाते रहो। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर से दिखा के ही, क्या डॉक्टर क्या करता है एक्सरे करके इसको अच्छे से अपने जगह पे बैठा के उसको प्लास्टर कर देता है जिससे वो जुड़ जाता है, ऐसे इधर उधर होते रहता है, जिससे नहीं जुड़ता जाता, प्लास्टर नहीं होता है। तो हमारे शरीर में किसकी आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है, उसे भी जोड़ने के लिए, हड्डियों को जोड़ने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे दो मुख्य बीमारी को देख लिए, रिकेटस जो कि बच्चों में होती है, और एक होता है एस्टिलिमेलेसिया। ये विटामिन डी की कमी से ये भी बीमारी होता है, ये पुरुष के तुलना में महिलाओं को ज्यादा होता है, किसके पुरुष के तुलना में महिलाओं को ज्यादा होता है। ये बीमारी के कारण जो वन होता है वो कमजोर हो जाता है, कमजोर के कारण फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे कि पता भी नहीं चला फ्रैक्चर हो गया, जैसे कि क्रैक कर गया, फ्रैक्चर मतलब क्रैक हो जाना, क्रैक कर देना, इसको एस्टिलिमेलेसिया कहते हैं। ये दूसरा मुख्य बीमारी जिसको बोला जाएगा विटामिन डी के कमी से कौन सा बीमारी होती है, तो दो मुख्य बीमारी होते हैं रिकेटस और एस्टिलिमेलेसिया, ये महिलाओं में अधिकतर होती है पुरुष के तुलना में। इससे इसके बीमारी के कारण हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है। तो विटामिन डी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब विटामिन इसको स्क्रीनशॉट करिए, इसके बाद विटामिन के बारे में बताएंगे आप लोगों को। जैसे कि मैंने बताया विटामिन के बारे में, विटामिन ए के बारे में आप लोग समझ गए उसके कमी से रुपावधि होता है, विटामिन डी के बारे में भी मैंने बता दिया उसके कमी से ब्लड कमजोर, हमारे बोन हड्डी होती है वो कमजोर होती है। विटामिन ई को देखते हैं, विटामिन ई का ये बायोलॉजिकल नाम होता है ये टोकोफेरॉल। विटामिन ई का बायोलॉजिकल नाम टोकोफेरॉल कहते हैं। इसका एक और नाम होता है जिसको
विटामिन कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं, जिसे हम नाम दे देते हैं ब्यूटी विटामिन। इस विटामिन के कमी से कोई बूढ़ा भी नहीं होता है, ब्यूटी शरीर पे खिलते रहता है, लगता है कि हाँ ये अभी भी जवान दिखाई दे रहा है, खूबसूरत दिखाई देता है विटामिन ई से। बहुत सारे लोग विटामिन ई का टेबलेट आता है ग्रीन कलर का, वो फेस में भी लगाते हैं, उससे शरीर ग्लो करता है, गोरा भी हो जाता है, हल्का हल्का गोरा भी हो जाता है, अच्छा लगता है, फायदा करता है, हानिकारक नहीं है विटामिन ई को डायरेक्ट लगाने से। और विटामिन ई को डायरेक्ट आप पेट में खाते हैं तो आपका शरीर पूरा जवान दिखेगा। हमेशा विटामिन ई खाते रहिए, आप जल्दी बूढ़ा भी नहीं हो सकते, वृद्धावस्था में नहीं जा पाइएगा। विटामिन ई धीरे धीरे कम मात्रा में मिलते मिलते आपका बुढ़ापा ढलने लगता है, इसलिए विटामिन ई को कमी नहीं करिए, हमेशा जवान रहिएगा। तो ये सभी फैक्ट हुआ है, इसका एक इसीलिए इसका नाम दिया गया है ब्यूटी विटामिन। इसका बायोलॉजी, इसका नाम भी है एक विटामिन ई का ब्यूटी विटामिन है, एंटी एस्टोलिन, एक और नाम है एंटी एस्टोलिन, एक और नाम है एनजीज। इतना सारा नाम कौन, ब्यूटी विटामिन टोकोफेरॉल याद रखिए बस काफी, यही सब जरूरी नहीं है ऐसे में, लेकिन विटामिन ई का इतना सारा नाम दिया हुआ है तो बस हमारा फर्ज बनता है लिखना, हर एक टॉपिक को लिखना। और यहाँ पर देखते हैं ये चेहरे का पिंपल्स और मुर्खियों को नहीं आने देता, अगर चेहरा पर पिंपल्स और मुर्खियाँ आते हैं विटामिन सी का टेबलेट लगाइए, हमेशा के लिए खत्म, और चेहरा पर ग्लो भी आ जाएगा। हमको मत बोलना आप क्यों नहीं लगाते हैं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास लगाने के लिए, सो कमेंट नहीं करना इस टाइप का। इसकी कमी से पुरुषों में नपुंसकता आती है, अगर कोई भी पुरुष देख रहे हैं वीडियो विटामिन ई का टेबलेट हमेशा कभी कभी खाते रहना, विटामिन ई हमेशा लेते रहना चाहिए, या फिर जो भी मांस मछली अंडा वगैरह में मिलता है वो सब चीज़ हमेशा खाते रहना चाहिए, इसके कमी से नपुंसक भी हो जाता है पुरुष, जिसके कमी से विटामिन ई की कमी से जिससे नपुंसक आती है, क्योंकि इसकी कमी से शुक्राणु मतलब स्पर्म अच्छे से नहीं बन पाता है, विटामिन ई के कमी से कारण स्पर्म नहीं बन पाता है तो अच्छे से इंसान नपुंसक बन जाएगा, इसका ध्यान नहीं देगा तो। उसके बाद ये शरीर का मुख्य मूलकों को खत्म करता है जिसे वृद्धावस्था नहीं आती है, शरीर का मुख्य मूलकों होता है ना उसको खत्म कर देता है जिसके कारण वृद्धावस्था नहीं आती है। विटामिन ई हमेशा लेते रहना चाहिए, बूढ़ा नहीं रहिएगा, हमेशा जवान रहिएगा, क्या सिर्फ। अब देखते हैं मुख्य स्रोत, जैसे ताजिक फल में भी मिलता है विटामिन ई, ब्लैक टी में विटामिन ई मिलेगा, ग्रीन टी में मिलेगा, दूध में, मांस में, अंडा में, मछली में, आप लोग ध्यान दिए होंगे दूध और अंडा बार बार आ रहा है, क्यों, इसमें सभी विटामिन होते हैं, दूध हमेशा खाइए, अंडा हमेशा पीजिए, हमेशा आप स्वस्थ रहिएगा, सारा विटामिन आपको मिलते रहेगा, सिर्फ दाल भात चावल सब्जी सब खाते रहने से सब कुछ नहीं मिल पाता है विटामिन, उसी को ऐसे एकदम पतला सा बहुत सारा चीज दिखाई देने लगता है, उसको सारा विटामिन शरीर में मिलना चाहिए जिसके कारण वो स्वस्थ रहे। तो आप प्रतिदिन विटामिन ई लीजिएगा, नपुंसक नहीं हो गया, आपके शरीर में ग्लो करेगा, फेस पे लगाइए, फेस ग्लो कर जाएगा। हमको मत बोलना लगाने के लिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है लगाने के लिए, समय के साथ हम बूढ़ा हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे मुख्य स्रोत को देख लिए, इतना सब में आता है तो इसको स्क्रीन शॉट करिए, उसके बाद इसके अगले टॉपिक विटामिन के को देखते हैं, विटामिन के में क्या क्या होता है, स्क्रीन शॉट करिए, उसके बाद विटामिन के को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग विटामिन के को देखते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के लास्ट टॉपिक है, जो कि दो भागों में बांटा गया है, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील चार टाइप के होते हैं, जो कि सभी चीज को देख रहे, लास्ट बचा था के, जिसको विटामिन के, इसका के देखते हैं। विटामिन के को फिलो क्यूनोन कहते हैं, ये एक नाम है, विटामिन के का नाम है फिलो क्यूनोन, ये एक बायोलॉजिकल नाम या विटामिन के का ये नाम है फिलो क्यूनोन्स। और ये सामान्यतः शरीर में विटामिन के की कमी किसी को नहीं होती, ये शरीर खुद पे खुद अपने आप में बना लेता है विटामिन के, खुद पे खुद
बना लेता है, ये वसा में घुलनशील होता है, विटामिन के वसा में घुलनशील होता है, ए होता है, डी होता है, ई होता है, लास्ट आता है के, विटामिन के, ये सब वसा में घुलनशील होती है। इसका फिलोक्विनोन्स नाम कहते हैं, इसका नाम होता है। ये समानता शरीर में कमी नहीं होती है क्योंकि शरीर इसका निर्माण खुद पे खुद कर लेता है, शरीर खुद पे खुद विटामिन के का निर्माण कर लेता है, इसीलिए विटामिन के कमी से कोई बीमारी नहीं होती, खुद पे खुद बना लगे तो क्या शरीर कोई बीमारी नहीं होगी। यहाँ पे अगला देखते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। मुख्य कार्य यही होता है रक्त का थक्का बनाने का मदद करता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करना, रक्त में सहायता करना विटामिन के का काम होगा। इसका मुख्य स्रोत क्या क्या आता है विटामिन के में, मांस में मिल जाता है, अंडा में मिल जाता है, मछली में, दूध में, हरी पत्तियां, हरा हरा पत्ता सब होता है उसमें मिलता है। ये यकृत से निकल के खुद पे खुद विटामिन के का निर्माण करता है, ये मुख्य स्रोत हुआ यकृत, जो कि ये टमाटर से भी विटामिन के मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, आप लोग ध्यान दिए होंगे यहाँ पे, दूध और अंडा इसमें भी आ रहा है, सब में कॉमन आ रहा है दूध और अंडा। अगर एग्जाम में आपको देता है कि पांच एग्जाम्पल लिखिए, विटामिन ए का हो, विटामिन डी का हो, विटामिन ई का हो, विटामिन के का हो, तो सबसे पहले अंडा और दूध लिख दीजिए, इसलिए सब इस चारों में विटामिन डी में अंडा भी आता है, दूध भी आता है, सब चीज में ये विटामिन के में मिलते हैं। अब आई होप कि आपको विटामिन के बारे में समझ में आ गया होगा, इसके बारे में और अगले जल में घुलनशील विटामिन के बारे में बताते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे विटामिन के बारे में सब चीज को मैंने डिस्कस करके आपको बता दिया था, यहाँ पे शॉर्टकट में आप लोगों को दिखा देते हैं शॉर्टकट में किस विटामिन से क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जो सबसे पहले यहाँ पे बता दिए थे विटामिन दो तरह के होता है, एक जल में घुलनशील होती है, एक फैट यानी वसा में घुलनशील होती है। तो यहाँ पे वसा में घुलनशील विटामिन को देख लेते हैं। विटामिन ए जो कि हम थ्योरेटिकल अच्छे से समझा के बता दिए थे क्या क्या कमी होता है, जिससे रतौधी बीमारी होती है, विटामिन डी से रिकेटस एक बीमारी होती है, विटामिन ई की कमी से नपुंसक तक का नपुंसक होने का बीमारी का पता चलता है, जिसको वाफन भी कहा जाता है। उसके बाद विटामिन के से होने वाली बीमारी होती है हीमोफीलिया, जिसको हीमोफीलिया बोलते हैं, इस चीज को आप नोट करिए। उसके बाद यहाँ पे हम बता देते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है। जल में घुलनशील विटामिन यहाँ पे हम देखते हैं सी के और बी के दोनों में होती है, जल में घुलनशील भी होती है और वसा में घुलनशील भी होती है। कौन से विटामिन, विटामिन के। तो यहाँ पे विटामिन सी को देखते हैं, देखो सक्रिय होती है, विटामिन सी क्या होती है, ये सक्रिय बीमारी होती है। विटामिन के जिसको कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, मतलब नॉर्मल बोला जाता है, जिसे रक्त का जमना भी बोलते हैं विटामिन के को, और विटामिन भी लास्ट आ जाता है जिसको, ये भी कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे देख सकते हैं। विटामिन से इतने भागों में बांटा गया है, यानी 12 तक बांटा गया है, जिसमें बीच बीच में गैप किया गया है, जिसे विटामिन 1 और 2 3, उसके बाद 4 नहीं है, 5 है, उसके बाद 6 7 8 नहीं है, 9 और 10, 12 तक विटामिन यहाँ पे विटामिन बी के बारे में बांटा गया है। विटामिन बी से होने वाली नॉर्मली बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं बैडी बैडी, विटामिन बी से बीमारी होने वाली जिसको बैडी बैडी बोलते हैं। तो यहाँ पे विटामिन बी वन से होने वाली बीमारी बैडी बड़ी होती है, उसके और डीपली जाते हैं बी टू बी बीमारी है, जिसे केलोसिस बोलते हैं, बीमारी होती है विटामिन बी की कमी से, केलोसिस बीमारी होती है। और विटामिन बी थ्री से पैलागा बीमारी होती है, उसका वजह से विटामिन फोर से चरम रोग सफेद दाग वगैरह होता है विटामिन फाइव के कमी के कारण, जिसको दिनाई वगैरह भी हो जाता है, इसी में आता है विटामिन फाइव के कारण भी आता है। विटामिन सी होता है, विटामिन सिक्स जो होता है भी, विटामिन सिक्स जो कि एनीमिया होता है, 7 से भी एनीमिया होता है, 9 से भी एनीमिया और 12 से भी एनीमिया बीमारी होती है। ये सब विटामिन भी शॉर्टकट में यहाँ पे दर्शा दिया गया है, थ्योरेटिकल पीछे हम बता दिए थे, यहाँ पे हर एक टॉपिक को शॉर्टकट में बता दिया गया है। इसको स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद अगले टॉपिक को आगे बताते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिशन में हम लोग भोजन के आधार पर भोजन को दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि पोषण को दो भागों में बांटा गया, जैसे स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी की अंग्रेजी में हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक और परपोषी को कहते हैं हेटरोट्रॉपिक, और इसे दो भागों में बांटा गया है, एक ये हो गया स्वपोषी और एक हो गया परपोषी। स्वपोषी ये होता है जो भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, रासायनिक संश्लेषण की क्रिया से स्वयं अपना भोजन निर्माण कर लेता है, उसे स्वपोषी कहते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। जो ये क्या होता है, जैसे हरा पौधा हो गया, पेड़ हो गया, पेड़ जो भी पेड़ हो गया, फल के पेड़, तो उस सब में खुद से खुद प्रकाश संश्लेषण के मदद से वो अपना भोजन खुद पे खुद बना लेते हैं, इसी को कहते हैं स्वपोषी। और परपोषी उसे कहते हैं जो परपोषी स्वपोषी पे निर्भर करता है, जो कि स्वपोषी जैसे चावल, दाल, गेहूं, धान, मक्का अपने आप प्रकाश संश्लेषण से होता है, उसी को ये परपोषी इस चीज को हम लोग खाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश के रूप में स्वशोषण का निर्माण करता है, ये पूरा निर्भर रहता है किस पे, स्वपोषण। ये परपोषी इस पे निर्भर रहता है, मतलब ये तो ऑटोट्रॉफी जो है अपने आप भोजन निर्माण कर लेता है, लेकिन परपोषी जो होता है इस पे निर्भर होता है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं परपोषी का प्रकार, परपोषी कितने प्रकार के होते हैं। तो परपोषी को हम लोग तीन भागों में बांटा गया है, एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक यहाँ। सबसे पहले मांसाहारी परपोषी जो होते हैं, एक मांसाहारी होता है, ये केवल शाक पर निर्भर होते हैं, ओ सॉरी शाकाहारी, शाकाहारी ये केवल शाक पर निर्भर करते हैं, जैसे पेड़ पौधा हरा पत्ता वगैरह ये सब खाते हैं, शाकाहारी चीज खाते हैं, जैसे घोड़ा हो गया, बकरी हो गई, और यहाँ पे गाय हो गया, ये सब पेड़ पौधा घास फूस यही सब खाता है, जिसको शाक बोलते हैं, जिसका मतलब वो शाकाहारी, ये सब हो गया शाकाहारी। उसके बाद आता है मांसाहारी, मांसाहारी वो होते हैं जो कि केवल मांस ही खाते हैं, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, लोमड़ी हो गया, ये सब एग्जाम्पल में आ जाते हैं मांसाहारी में। और लास्ट यहाँ पे आते हैं सर्वहारी, ये सब तो बचपन में हम लोग जानते हैं, पढ़े होंगे 3-4 क्लास में, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वहारी, सर्वहारी जिसे बोलते हैं, जो कि इसमें शाक एवं मांस दोनों पर निर्भर रहता है। ये जो सर्वहारी होते हैं शाक भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, मतलब दोनों खाते हैं। तो इस एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, ये सब सर्वहारी में एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये जो परपोषी होता है इसे तीन प्रकार में, हेटरोट्रोपी को तीन प्रकार में बांटा गया है, मांसाहारी, वेज, नॉन वेज और यहाँ पे सर्वहारी, तीनों चीज को यहाँ पे तीनों को डिस्कस कर दिए हैं, तीनों चीज को एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं, इसको स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद अगले टॉपिक को हम यहाँ पे बताते हैं। दोनों पार्टों को मैंने देख लिया, उसके बाद अगला यहाँ पे देखते हैं नरभक्षी, इसका इंग्लिश नेम होता है कैनिबल्स। कैनिबल्स यह एक ऐसा जीव होता है जो अपने प्रजाति के जीवों को खा लेता है, जैसे अपने प्रजाति के जीवों को खा लेना, जैसे मछली होती है मछली को ही खा लेती है, सांप होता है सांप को ही खा लेता है, ये सांप या मछली की प्रजाति या एक दूसरे को अपने आप में खा लेती है, उसको कैनिबल्स बोलते हैं, इसको हिंदी में ये नरभक्षी बोलते हैं। ये हमारा हो गया मतलब खुद के प्रजाति को खा लेना। उसके बाद आता है मलभोगी, मलभोजी भोजी उसे कहते हैं जो कैप्रो, इसका इंग्लिश नेम होता है कैप्रो, ऐसा जीव जो अपना या अन्य जीवों का मल को खाते हैं, वैसा जीव जो अपना खुद का मल लैट्रिन या फिर दूसरे का लैट्रिन को खा जाते हैं उसी को बोलते हैं कैप्रा, कैप्रो, कैप्रो उसी को बोलते हैं। जैसे खरगोश हो गया, अपना लैट्रिन करेगा खुद का लैट्रिन भी खा जाता है, ये कौन सा एग्जाम्पल है, खरगोश जो होता है। जैसे सुअर हो गया, सुअर भी किसी दूसरे का मल वगैरह लैट्रिन वगैरह का खा लेता है, ये सब खा लेता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं पादपों का पोषण, प्रकाश का संश्लेषण प्रक्रिया के पादप कार्बोहाइड्रेट सरल यौगिक H2O जल एवं CO2 का प्रकाशीय ऊर्जा के उत्सर्जित के कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, जो ये प्रकाश का पोषण जो होता है, जो जो H2O जल एवं CO2 का प्रकाशीय ऊर्जा, जो प्रकाश से ऊर्जा मिलती है, वो सबसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये ऊर्जा को उत्सर्जित करती है और कार्बोहाइड्रेट में बदल देती है, ऊर्जा को उत्सर्जित करके कार्बोहाइड्रेट में बदल देती है, उसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस टाइप की होती है। और इसी में ये होता है, ये प्रक्रिया पादप के अन्नग्रन प्रतटित की उपस्थिति में होती है, पादप के अन्नग्रन प्रतटित की उपस्थिति में ये कार्य होती है। इसके ऑक्सीजन मतलब O2 सह उत्पत्ति के रूप में मिलती है,
इस चीज को नोट आउट करिए, स्क्रीनशॉट करिए। इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि कैबिनेट्स जाति को खुद के जाति को खा जाते हैं, और यहाँ पे कैप्रो जो होती है अपने जाति के मल या फिर दूसरे के मल को लैट्रिन को खा जाते हैं, उसको कैप्लर बोलते हैं, मलपोजी बोलते हैं। एग्जाम्पल में सुअर दुई और ये हम लिखे थे। उसके बाद पादपों का पोषण, जो ये सब मैंने बता दिया कि कैसे पादपों का पोषण होता है, ये सब इस टाइप के इतने सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया। तो इसको स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद जो टॉपिक बताया उसको कॉपी में ही बता दिया। लगातार दो वीडियो बनाए मैंने पढ़ाते पढ़ाते, अभी बहुत सारा टाइम हो चुका है, अभी नींद भी आ रहा, बहुत रात भी हो सकती है, रात हो गई है, अभी खाना भी खाना, बहुत सारे कार्य करना है। तो इसको स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। इसके बाद पहले जो कॉपी वाला बचा हुआ उसको हम इसी वीडियो में ऐड करके आप लोग को अपलोड कर देते हैं। और आई होप कि आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आप लोग हमको कमेंट करके बता सकते हैं कैसे लगा। कोई भी पॉइंट पर अगर दिक्कत हो हमको कमेंट में बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। सो अब कॉपी में जो है उसको देख लेते हैं। न्यूट्रिशन में सब कुछ तो बता दिए हैं, लेकिन बहुत कुछ तो लिख नहीं पाएंगे, इसलिए सोचे कि इसी में दिखा देते हैं पीडीएफ में क्या है क्या नहीं। यहीं से आप लोग लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो। ये सब तो मैंने बता दिया है, यहाँ से भूख लगना से हमको बताना है, ठीक। तो ये क्या होता है भूख लगना क्या होता है? शरीर में भोजन का केंद्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में होता है, जो कि शरीर का जो भोजन हम लोग करते हैं तो उसमें भोजन ख़त्म हो जाता है पेट में। तो हमारा भोजन जब पेट में ख़त्म हो जाता है तो हाइपोथैलेमस के कारण हम लोगों को दिमाग में जाता है मैसेज कि हमारे शरीर का भोजन ख़त्म हो चुका है, मतलब भूख लगा हुआ है, ख़त्म हो जाता है। यह रक्त में ग्लूकोज की कमी होती है जो आमाशय की मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन प्रारंभ होता है, जिसके भूख लगने की भावनाएं जन्म लेती है। जब यह संकुचित स्थिति बंद हो जाती है तो भूख की भावनाएं भी ख़त्म हो जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि हाइपोथैलेमस के पास ये मैसेज जाता है कि ग्लूकोज की कमी हो गई है, इसके कारण हम लोगों को भूख लगा हुआ है। तो ये मैसेज हाइपोथैलेमस के पास जाती है और ये संकुचित अवस्था में होती है, जिसको स्थिलन प्रारंभ, जिसके भूख लगने लगता है, जिसके भावनाएं जन्म लेती है। अगर यही ख़त्म हो जाता है हम लोग को भूख नहीं लगता है। अगला यहाँ पे उस सब चीज़ को जो भी है उसको स्क्रीनशॉट करते रहिए, आप लोग देखते रहिए। अभी ये पॉइंट को हम लोग देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक खाना नहीं खाता है तो पहले शरीर में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचाया जाता है। जैसे कि हम लोग मान दिए कि हम लोग लंबे समय तक खाना नहीं खाए, जैसे कि अन्ना हजारे अनशन में बैठ जाते हैं, तो हम लोगों का जो खाना रहता है शरीर का खाना, जैसे भूख लगा वो भी ख़त्म हो जाता है। तो हमारे शरीर का संग्रहित जो भी होता है कार्बोहाइड्रेट, उसका पाचन करने लगता है, मतलब एक एक चीज़ को ख़त्म करने लगता है शरीर से, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करने लगता है, उसके बाद उसको पचाता है। अगर वो ख़त्म हो जाता है तो ये प्रोटीन का पाचन करने लगता है, किसका? प्रोटीन का पाचन करने लगता है। यदि कोई शरीर प्रोटीन का पाचन प्रारंभ कर दे तो यह खतरा का संकेत माना जाता है। जैसे हमारे शरीर में भूख लगता है, भूख लगा बहुत तेज से खाना पीना नहीं खा रहे हैं, उसके बाद क्या करता है, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करने लगता है हमारे शरीर में। कार्बोहाइड्रेट और वसा ख़त्म हो जाता है तो हमारे शरीर का जो प्रोटीन जो मुख्य होता है इसको भी पाचन करने लगता है। अगर इससे भी कुछ दिन आदमी जिंदा रह जाता है प्रोटीन से, अगर ये ख़त्म हो जाता है तो समझिए कि हमारे शरीर में खतरे का निशानी प्रारंभ हो गया, उसके बाद भूख से आदमी मर भी सकता है। ये हम लोग देख लिए। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, शरीर द्वारा प्रोटीन के बारे में जानकारी के लिए मूत्र का परिश्रवण किया जाता है। जैसे हम लोग कोई अनशन पर बैठ गया है मान लीजिए कि, और उसका धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो रहा है, मुझे इसे कार्बोहाइड्रेट वसा ख़त्म हो गया, प्रोटीन भी ख़त्म हो गया, तो हम लोगों को पता चलता है खतरा का निशानी प्रारंभ हो चुका है। जैसे कि कोई नेता वगैरह ऐसे ही करते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं भूख से, तो नेता वगैरह डॉक्टर भेजता है उसको कि जाके चेक करो कि उसका क्या प्रोटीन शरीर से ख़त्म हो गया कि वो भी जिंदा है। तो दो चार गो का चेक करता है तो पता चलता है प्रोटीन ख़त्म हुआ है,
तब उसका मांग करता है कि हाँ ये क्या क्या मांग था उसको पूरा करना, उसी में बात करता है खाना खाइए ये करिए वो करिए। तो इसका परिसरण करने के लिए क्या करना पड़ता है, जानकारी लेने के लिए मूत्र का परिसरण करना पड़ता है, पेशाब का चेक करना पड़ता है, उससे पता चलता है कि हमारे करना पड़ता है कि मूत्र में कीटो बॉडी की उपस्थिति मिलती है, हमारे मूत्र में कीटो बॉडी की उपस्थिति मिलती है। यदि मूत्र के कीटो बॉडी की उपस्थिति मिलती है तो यह समझा जाता है कि प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो चुका है, इसके बाद खतरा हो जाएगा, आदमी डेट कर जाएगा। कीटो बॉडी अगर पेशाब का परिसरण करने में मिलता है तो पता चलता है कि ये खतरा का निशानी है, जो भी मांग कर रहा अनशन पे बैठा है भूख से उसको पूरा कर दीजिए, नहीं तो इसके बाद आदमी डेट करना चालू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं संकुचित एवं पूर्ण आहार क्या होता है। एक पूर्ण आहार होता है, ये पूर्ण आहार अलग होता है, एक संकुचित पूर्ण आहार होता है। तो संकुचित पूर्ण आहार को हम लोग देखते हैं, ऐसा भोजन जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का अनुपात हो, ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो और प्रोटीन भी हो और वसा तीनों हो, कोई खाना बताइए जिसमें तीनों होता है, इसी तीनों मिलता है जिसको हम बोलते हैं संतुलित एवं पूर्ण आहार, जिसमें तीनों मिलता है उसी को हम संतुलित एवं पूर्ण आहार बोलते हैं। इसका अनुपात होता है 3.5 ये होता है 1/5, उसके बाद 1/4 और 1/5, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा तीनों अगर एक साथ लेते हैं इसका अनुपात इतना होता है, इसी को हम कहते हैं संतुलित आहार कहते हैं, इसे संतुलित पूर्ण आहार कहते हैं। यह उन लोगों के लिए बेहतर माना जाता है जो मोटापे की बीमारी के संग्रहित होते हैं, जो मोटापे की बीमारी से संग्रहित है उनके लिए सबसे बेहतर होता है। इसके स्क्रीनशॉट करिए, जो कि इसकी संख्या होता है 65% कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन होता है 25% और 15% होता है वसा, इसको स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद आगे हम बताते हैं। अब देखते हैं वहाँ पे देख लिए यहाँ पे संतुलित पूर्ण आहार क्या होता है, संतुलित पूर्ण आहार को देख लिए, अब यहाँ पे देखते हैं हम पूर्ण आहार क्या होता है। तो संतुलित आहार देख लिए यहाँ पे, संतुलित पूर्ण आहार क्या होता है इसको देखते हैं, यहाँ पे पूर्ण आहार क्या होता है इसको देख लेते हैं। पूर्ण आहार ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी तत्व मिलते हों, जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा खनिज विटामिन और पानी, ये सब कुछ यहाँ पे मिलते हैं जिसे पूर्ण आहार कहते हैं। जैसे कि हम दो भागों में बांटे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा, एक साइड था ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और बस है, एक साइड था खनिज विटामिन्स और ये वाटर एक साइड था। तो ये सब कुछ एक ही भोजन में मिलता हो, एक ही भोजन के अंदर मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं पूर्ण आहार बोलते हैं, उसी को हम पूर्ण आहार बोलते हैं। ये अन्य लोगों के लिए बेहतर माना जाता है जिनमें भोजन की कभी विकास उत्पन्न होता हो, भोजन की विकास उत्पन्न हो। ये एग्जाम्पल अब देख लेते हैं किस किस चीज़ में मिलता है। तो दूध में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है, खिचड़ी में मिलता है, जिसमें चावल दाल घी तीनों दिखाई देते हैं, चावल से मिलता है, दाल से भी, खिचड़ी इसमें तीनों दिखाई देते हैं। यही सब तीन एग्जाम्पल हैं, इट्टी से और भी हो सकते हैं, यही सब तीन एग्जाम्पल है जिसके अंदर सब कुछ यहाँ पे मिलता है, सब कुछ भोजन मिलता है। इसको स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद आगे बताते हैं। अब यहाँ पे क्लोरीफिक मान हम लोग देख लेते हैं, किसी पदार्थ के 1 ग्राम को जलाने पर उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा उसका क्लोरोफिल मान कहलाता है। कोई भी पदार्थ 1 ग्राम को जलाएंगे ना तो उसमें उत्पन्न जो होता है ऊर्जा, उसी को हम ऊर्जा को क्लोरोफिल कहते हैं। ऊर्जा ई पद यहाँ पे पदार्थ को जलाने से अगर ऊर्जा निकलता है उसी को क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये इसमें वसा को देख लेते हैं, 9.1 क्लोरी पर ग्राम, 1 ग्राम 9.1 क्लोरी मिलता है। प्रोटीन में 1 ग्राम के अंदर 5.2 क्लोरी मिलता है और ये कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में 4.5 क्लोरी
ग्राम मिलता है। तो ये प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट तीनों मिलता है एक ग्राम के अंदर इतना। इसको भी याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम अगला पॉइंट को देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं भोजन के अधिकतम एवं कमी से होने वाला बीमारी। तो यहाँ पे कमी से होने वाला बीमारी को हम लोग देखते हैं, तो ये हो गया मोटापा। मोटापा को देखते हैं, इसका मुख्य कार्य भोजन में भोजन की मात्रा आवश्यकता से अधिक होने पर मोटापा होती है। हम लोग जानते हैं अगर भोजन ज़्यादा हम खा लेंगे, जो भी खाएं आवश्यकता से ज़्यादा खाते हैं, तो ये मोटापा एक बीमारी हो जाती है। मोटा भी होना एक स्वस्थ आदमी नहीं होता है, इसको ये भी एक बीमारी है, चर्बी चारों तरफ हो जाता है, ये एक मोटापा एक बीमारी है। तो यहाँ पे आप लोग एग्जांपल उसको स्क्रीनशॉट करिए, इसको इसके बाद इसको हम देख लेते हैं, इसी को पहले देख लेते हैं यहाँ पे। तो सामान्यतः हम लोग को पता है पुरुष और महिला, पुरुष को 2800 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करना चाहिए, प्रतिदिन लेना चाहिए, और महिलाओं को 2200 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन लेना चाहिए। अलग बात है तुम भी ज़्यादा ले सकती हो, महिलाओं भी 5000 ले लो, क्या दिक्कत है, ले सकते हैं, लेते भी है, उसीलिए उतना मोटी हो जाती है। तो यहाँ पे ले सकते हैं, ऊर्जा प्रदान कर सकती है, लेकिन इतना मिनिमम रखा गया है कि पुरुष 2800 कैलोरी ऊर्जा ले सकता है और महिला 2200 कैलोरी ऊर्जा ले सकती है। इतना ले, इससे थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है 50-100 के आसपास, लेकिन ज़्यादा हो जाने के बाद मोटापा बढ़ने लगता है, या मोटापा भी एक बीमारी होता है। तब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं भोजन के अधिकतम मात्रा होने के कारण शरीर में इनका संग्रहित होता है, ऐसे मुख्य रूप से वसा के रूप में। वसा मतलब फैट। जब भोजन का अधिक मात्रा ले लेते हैं तो जितना आवश्यकता है उतना हम कार्य तो कर लेते हैं, लेकिन और मुख्य रूप से ये फैट हो जाते हैं, चर्बी जिसको वसा लिपिड बोलते हैं, ये मुख्य रूप से ज़्यादा शरीर में होने लगता है। और आगे देखते हैं जिसके कारण हार्ट अटैक, हृदय आधार हिंदी में कहते हैं, इसी को इंग्लिश में हार्ट अटैक बीमारी होती है, जिसमें उच्च रक्त दाब भी हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। HBP लिखें, इसका मतलब हुआ हाई ब्लड प्रेशर बीमारी शरीर में प्रवेश करती है। ये दो बीमारी मुख्य रूप से दिखाई देता है जो ज़्यादा खाना खाता है, जिसके अंदर चर्बी होती है, तो ये दो मुख्य। और बहुत लोग हैं जिसको हार्ट अटैक होता है, तो इस चीज़ पे कंट्रोल करके रखना चाहिए। बहुत लोग बहुत ज़्यादा ही खाने लगता है, हाई ब्लड प्रेशर उसका रहता है, इस चीज़ पे कंट्रोल करो, अच्छा चीज़ें स्वस्थ प्रोटीन लो, अच्छे से खाओ, उसको अच्छा रहेगा, जो मन से खा लेते हो, इसीलिए दबाते जाओ तो फैट बढ़ने लगता है, मोटा होने लगता है, जिससे हार्ट अटैक का बीमारी ज़्यादा होने का चांस रहता है, हाई ब्लड प्रेशर तो होता ही है। इस पे कंट्रोल करिए पुरुष या महिला। उसके बाद अगला हम टॉपिक देख लेते हैं यहाँ पे, मरासमय। तो मरासमय यह एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। एक वर्ष से कम बच्चे होते हैं उनके अंदर जिसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है उनके भोजन में, तो ये बीमारी मरासमय उनको बीमारी हो जाती है। वास्तव में माता पिता के दूध में प्रोटीन की कमी होती है। हम लोग जानते हैं एक साल के बच्चे की उम्र क्या क्या खिलाएगा, उसको क्या पिलाएगा, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि माता पिता के दूध में ही प्रोटीन अच्छे से नहीं मिल पाता है। किसके माता के अंदर अच्छे से प्रोटीन, दूध में प्रोटीन नहीं मिल पाता है वास्तव में, तो इसलिए ऊर्जा की कमी हो जाती है एक वर्ष से कम बच्चों में, जिसी को हम कहते हैं मरासमय कहते हैं। तब इसका कारण बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। सामान्यतः यह बीमारी का कोई पूर्ण इलाज नहीं होता है, इसलिए अगर बच्चा होता है तो उसको अच्छे से ध्यान दीजिए, पुष्टि आहार खाइए, और खुद मतलब माँ को कह रहे हैं कि खाइए पुष्टि खाना, और बच्चों को कम से कम बच्चे के लिए अच्छा खाना खाइए जिसके लिए प्रोटीन बच्चों को अच्छा से मिले। तो वास्तव में इसका इलाज नहीं होता है, आप लोग इस पर ध्यान रखिए, वास्तव में इसका इलाज नहीं होता है, बस दवाई दे देता है डॉक्टर, अब प्रोटीन वगैरह दे देगा, लीजिए खाते खिलाते रहिए बच्चा को। तो इस पर ध्यान दीजिए और अपने भी खाते रहिए, और बच्चा को ऐसा प्रोटीन तो मिलते रहेगा। इसी बीमारी की उपस्थिति के कारण देश में महिलाओं को खराब स्थिति को दर्शाता है।
इसी बीमारी होता है ना जहाँ जहाँ पे, तो ये महिलाओं को खराब स्थिति दर्शाता है कि हाँ महिलाओं को अच्छे से भोजन नहीं मिल पाता है, इसलिए प्रोटीन ज़्यादा उत्पन्न नहीं हो पाता है। तो छोटा वाला बच्चा है उसको भी अच्छा से तो प्रोटीन नहीं मिल पाएगा। अब ये हम देखते हैं क्वासिओरस। क्वासिओरस क्या होता है? तो क्वासिओरस एक वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों, एक वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों होने वाले बीमारी है। यह भी प्रोटीन के कमी के कारण से होने वाली बीमारी है। इसका सरलतम यह पूर्व किया जाता है कि बच्चों का अधिकतम अतिरिक्त प्रोटीन पाउडर प्रदान कर दिया जाता है, सही किया जाता है। इस बीमारी में शरीर के विकास रुक जाता है। ये भी वही बीमारी है लेकिन एक वर्ष से ज़्यादा उम्र के है, इसमें माँ पूरा जिम्मेवार नहीं होती है, दो वर्ष तीन वर्ष के भी बच्चों को हो जाती है। इस बीमारी को हम कहते हैं क्वासिओरस, ये हिंदी में क्वासिओरस इस बीमारी का नाम है। इस पर माँ जिम्मेवार नहीं होती है, एक साल से ज़्यादा बच्चों जिसको प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसका ग्रोथ होना रुक जाता है, उसका शारीरिक विकास होना रुक जाता है, जिसके कारण इसका इलाज हो जाता है। प्रोटीन पाउडर पिलाइए पिलाइए, इलाज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब हम विटामिन वगैरह देख लिए थे, विटामिन बी मैंने बता दिया था, विटामिन ए बी डी सब क्या होता है सब कुछ मैंने बता दिया था। यहाँ पे इसको भी स्क्रीनशॉट कर दिया। अब आगे देख लेते हैं, अगला टाइम हम लोग ये सब लास्ट ये फिगर बच रहा है जो कि हम यहाँ पे बता दिए थे। पादपों का पोषण कैसे होता है? तो पादपों का पोषण ऐसे ही होता है। यहाँ पे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पादप का पोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पादप कार्बोहाइड्रेट सरल यौगिक मतलब H2O जल एवं CO2 प्रकाशित ऊर्जा की उपस्थिति के कारण कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। मतलब ये जल और प्रकाश संश्लेषण ये सब मिल के जल में CO2 को प्रभावित ऊर्जा की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में ये बदल जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधा को कार्बोहाइड्रेट प्रदान हो जाता है। अब यहाँ पे लास्ट यहाँ पे दिया है, यह प्रक्रिया पादप के अंतर्गत प्रहरी की उपस्थिति में होता है। इसी ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में निकलता है। तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट करिए, पादप का पोषण इसको स्क्रीनशॉट करिए। उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट हम एक फिगर दिखा देते हैं, ये जो मैंने फिगर बनाया था, सूरज सनलाइट से हम लोग पेड़ पौधा को रोशनी मिलती है। यह हरा पौधा है जिसको जिसमें ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन दोनों होता है मिल जाता है। सूर्य का प्रकाश प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल एटमोसफेयर या ज़मीन से मिल जाता है। ये सब कुछ मिलने के बाद यहाँ पे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बन जाता है जो कि पेड़ को हमारे मिल जाता है। तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश ये हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल को मिला दिए। यहाँ पे देखिए, इसका शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाकर यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण हो गया। तो शरीर पौधा का जो शरीर होता है इसमें अच्छे से घुलनशील हो जाता है, जिसके कारण पौधा का भी पोषण हो जाता है। इस चीज़ को देख लिए, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे, जो बता रहे हैं बोर्ड पे आते हैं। तब जो भी कॉपी में बताया, मतलब कि अभी लिखने में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए कि लंबा वीडियो बनाया है, जिसके कारण अभी बहुत सारा थकान भी हो चुका है, इसलिए कॉपी में जो लिखा हुआ है उसी को PDF के थ्रू मैंने पढ़ा दिया अब हम इस वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अब इसको नोट करिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से याद कर लीजिए। आपको समझ में आ गया होगा, उसको नोट्स बना के एक दो बार पढ़ लीजिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।